सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। वीडियो की पहली और बड़ी खबर, इन 65 लाख पेंशन भोगियों को आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर होगा ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 के 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। और इस खबर के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों को 2020-21 में मिलने वाली ब्याज दरों पर शनिवार को फैसला हो जाएगा। और इसके अलावा ईपीएफओ ने दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक का सर्कुलर जारी कर दिया है और सदस्यों के लिए एजेंडा भी तैयार कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की मांग रखी है। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये बढ़ाने वाला है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ में जमा राशि पर ब्याज दरों पर भी फैसला हो किया जाएगा। और इसके अलावा जो कि फिलहाल दिया जा रहा है 8.50%, उस पर भी फैसला आज किया जाएगा। और माना यहां पर यह जा रहा है कि इसे ही बरकरार रखा जाएगा। और बैठक में ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने के विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो इस तरीके से आज 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और उनकी न्यूनतम पेंशन जो कि मौजूदा 1,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किए जाने की पूरी संभावना है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उसके बाद में वीडियो की अगली और बड़ी खबर, यहाँ पर 35 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए और ख़ास तौर से जो न्यू पेंशन स्कीम में कवर्ड हैं उन सभी के लिए। तो इस खबर के अनुसार कृषि कानूनों की तरह एनपीएस को भी वापस ले केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, जैसे केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध के बाद अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो सरकारी कर्मचारी भी अब ये मांग उठाने लगे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, उसी तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी और राज्य कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस को वापस लिया जाए। तो और इस खबर के अनुसार नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने कृषि कानून वापस लेने को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा है कि इसी तरह भारत के 80 लाख कर्मचारियों के हितों को देखते हुए नई पेंशन स्कीम को भी तुरंत बंद करना चाहिए। और आगे ये भी कहा कि कर्मचारियों का जमा पैसा मल्टीनेशनल कंपनियों में जबरदस्ती लगाया जा रहा है, जिसका हर राज्य में विरोध किया जा रहा है। और रिटायर होने पर कर्मचारी फिर से बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम के तहत मात्र 2,000 रुपये के बीच पेंशन एक कर्मचारी को दी जा रही है, जो कि किसी भी तरीके से कर्मचारियों के हित में नहीं है। और आगे यहाँ पर कहा गया कि प्रधानमंत्री एक देश एक विधान की बात करते हैं, तो एक देश एक पेंशन पर भी विचार किया जाना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेते हैं, वहीं विधायक और सांसद पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाते हैं। जब एक देश एक विधान हो सकता है तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में आज भी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, तो बाकी राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसी की वजह से उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल इस बारे में निर्णय लेंगे और कृषि कानूनों की तरह एनपीएस को भी रद्द किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है कि वो एक 30 साल की नौकरी करने के बावजूद भी एक सरकारी कर्मचारी को 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के बीच में पेंशन दी जा रही है, जो कि वर्तमान समय में बेहद कम है। तो इसी वजह से सरकारी कर्मचारी ये मांग उठा रहे हैं, कर्मचारी संगठन भी ये मांग उठा रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रकार से 80 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस को भी वापस लिया जाए और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए। इन दोनों खबरों के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।